बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकीय अतिथिशाला में नाश्ते पर उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। मुलाकात के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मुलाकात खत्म होने के बाद सीएम नीतीश राजकीय अतिथिशाला से अपने आवास के लिए निकल गए। उन्हें छोड़ने के लिए अमित शाह गेस्ट गेट तक पहुंचे थे। गेस्ट हाउस से निकलते समय दोनों नेता काफी खुश नजर आ रहे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर भी बात हुई होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर पटना में, और निश्चित तौर पर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है हर मायने में। 2019 तो आपको बताएं मिनट टू मिनट प्लान क्या है। ज्ञान भवन में 12:45 से 1:45 तक संबोधित करेंगे। दोपहर का भोजन भी ज्ञान भवन में ही करेंगे अमित शाह। दोपहर 2:30 से 3:30 तक शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक बापू सभागार में करेंगे। राजकीय अतिथिशाला में शाम 4:00 से 7:00 तक चुनाव तैयारी समिति की बैठक में लेंगे भाग। बाद में अमित शाह मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार के साथ रात्रि में भोजन करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को सुबह वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे अमित शाह। और अमित शाह के आने के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली। गाते बजाते नजर आए अमित शाह के आने के दौरान कार्यकर्ता। अमित शाह के आगमन पर आप जो देख रहे हैं माहौल, पूरा माहौल रंगारंग कार्यक्रम से तब्दील है और लगातार गाने बजाने गाए जा रहे हैं। और ये तमाम जो है आप देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ मौजूद है। क्या लगता है आज अमित शाह क्या कहेंगे? आज हम अपन मिथिला के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के दिल से स्वागत करे छे। अहाँ देखियो कि मिथिला के पूरा संस्कृति सभ्यता एठाम नजर आयत। पान धान मखान माछ, अय लेल मिथिला अपन नाम ही है। या लेल दिल से स्वागत कर रहल छी हम सब। लागैए कि हमर मेहमान आबि रहल अछि। इम्हर कैमरा घुमाबियो, देखियो पूरा मिथिलांचल नजर आबै है। पाग लग मिथिला की जो संस्कृति है वो यहाँ दिख रही है, कह रहे थे। और हम जरा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है युवा कार्यकर्ता और युवा शक्ति जो है यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे प्रदेश? मैं ये कहूँगा, मैं अपने कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के सांस्कृतिक रूप से, जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक मिट्टी है, उसके तरफ से माननीय अध्यक्ष जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तरह तरह हर जगह मगही, कहीं किसी मंच पे 5 तरह का मंच बना है। कहीं मगही का गीत हो रहा है, कहीं लोक गीत हो रहा है, कहीं लोक नृत्य हो रहा है, बारामासा हो रहा है, कहीं पंजाबी गीत हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथिली गीत से हम माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप कलाकार कुछ गाकर भी सुनाए। हम चाह रहे हैं कि मिथिला के जो संस्कृति ओहिठाम के जो नदी उस सबके बखान। बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाए। कमला सो कोसी सो पूछ ले बलान सो, जनक के बाग खिले मिथिला के नाम सो। एलिए हम मथुरा से, एलिए हम काशी सो, पावन छे मिथिला ई चारू टा धाम सो। स्वर्गो से सुंदर छे हो, स्वर्गो से सुंदर छे मिलेगा लोगों को। वो 2019 के आगाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
और तमाम कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से यहाँ जुटे हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ आपको हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि हर तरह से अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ देखिए अमित शाह के आगमन के लिए मखाने का जो माला है वहाँ लेकर लोग खड़े हैं ताकि जब अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। और ये देख रहे हैं ये तमाम आप मधुबनी पेंटिंग्स की भी आप तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या लगता है आज अमित शाह आ रहे हैं, कितना उमंग है उत्साह? आप देख रहे हैं क्या उमंग है, क्या उत्साह है। संपूर्ण मिथिला के संत आज यहाँ पर 151 संख लेकर के संत पहुँच गए हैं। कहीं पर वहाँ पर वेदोच्चारण कहीं मंच पर हो रहा है तो कहीं पर शंख फूका जा रहा है तो कहीं पर ऊपर में घंटी टनटना रहा है, कहीं पर शंख फूका जा रहा है, कहीं पे घंटी। और कहा जाता है ये घंटी जो है वो शुभ होता है और ये शुभ संकेत है कि इस शुभ संकेत के साथ आप देख सकते हैं ऊपर तमाम जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में शंख फूकते ये लोग ताकि जैसे ही इस दरवाजे से आगमन हो एक संकेत हो, शुभ संकेत हो कि आने वाले समय में जो अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को एक दिशा देना चाहते हैं उस दिशा के लिए ये पूरी कवायद हो रही है और 2019 के मिशन को कैसे पूरा किया जाए।